हे गाइस, अगर आप अपने रियलमी एक्स में कस्टम रॉम्स फ्लैश करने का प्लान कर रहे हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो टिप्स बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है और इस वीडियो की मदद से आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से फिक्स कर सकते हो। घंटों की मगजमारी, घंटों की मेहनत से आप बच सकते हो। गाइस, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी। फ्यूचर में भी आपको ऐसे कॉन्टेंट्स देखने को मिलता रहे। तो गाइस, ये है रियलमी एक्स और मैंने कल इसमें इंस्टॉल किया है लीनियज ओएस, और लीनियज ओएस के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम कर रहा है। थोड़ा स्लो है और कई बार काम नहीं कर रहा, यानी इतना एक्यूरेट नहीं है। आपको बार बार ट्राई करना पड़ रहा है फ़ोन अनलॉक करने के लिए, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये इनिशियल स्टेज है रोम का और आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है रियलमी एक्स के लिए। कल मैं जब रोम फ्लैश कर रहा था तो मुझे दो इशू दिखा, दो प्रॉब्लम दिखा, और उसे कैसे फिक्स करना है मैं आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। मैंने दोनों प्रॉब्लम को सर्च किया तो मुझे कई सारे ऐसे यूज़र्स दिखे जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया। तो पहला प्रॉब्लम था, रोम फ्लैश करने के बाद जैसे ही आप फ़ोन को बूट करोगे, फ़ोन प्रॉपरली बूट नहीं होगा और आपको ये मैसेज दिखेगा। तो गाइस, जब आप फ़ोन को बूट करोगे तो ये मैसेज आपको दिखेगा, फ़ोन प्रॉपरली बूट नहीं होगा। कस्टम रिकवरी काम करेगा, फास्ट बूट मोड काम करेगा, लेकिन फ़ोन बूट नहीं होगा। तो ये मैसेज है, द करेंट इमेज बूट रिकवरी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बूट, और उसके बाद है प्लीज़ फ्लैश द करेक्ट इमेज और कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस टू फिक्स इट। दो तीन बार अलग अलग रोम मैंने फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद फ़ोन को बूट किया, बूट करने के बाद मुझे ये सेम मैसेज दिखा। यानी एक बार जैसे ही ये प्रॉब्लम दिखा उसके बाद मैंने कोई भी रोम फ्लैश किया, बूट करने के बाद मुझे यही मैसेज दिख रहा था। ओके, तो मैंने पहले vbmeter.img फाइल फ्लैश किया। ओके, एंड फ्लैश करने के बाद फिर से जब फ़ोन को बूट किया, अगेन मुझे यही मैसेज दिखा। तो गाइस, अगर आप कस्टम रोम फ्लैश करने का प्लान कर रहे हो तो ये फाइल आप ज़रूर डाउनलोड करके सेव करके रखना, आपको काम आने वाला है vbmeter.img। इससे फ्लैश आप जिस तरह कस्टम रिकवरी फ्लैश करते हो, टॉप रिकवरी फ्लैश करते हो, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, उसके बाद रिकवरी का नाम, इसी तरीके से आपको इसे फ्लैश करना है। ये फाइल डाउनलोड करके आपको मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट फोल्डर के अंदर डाल देना है, और उसके बाद ये जो कमांड आपको दिख रहा है ये आपको कमांड डालना है, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद एंटर बटन हिट कर देना है। उसके बाद आपको एक और काम करना है, तो आपको जाना है वाइप में, नीचे आपको बटन दिख रहा है फॉर्मेट डेटा का, उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना है यस, और उसके बाद ये ओके कर देना है। डेटा फॉर्मेट करने के बाद आप फ़ोन को बूट करना, होपफुली ये मैसेज आपको दोबारा नहीं दिखेगा चाहे कोई सा भी रोम हो। गाइस, अगला प्रॉब्लम है लीनियज ओएस या कैंडी रोम अगर आप फ्लैश करो, या हेवक ओएस, क्योंकि तीनों में रिपोर्ट है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है लीनियज ओएस एंड कैंडी रोम दोनों के साथ। जब मैंने दोनों रोम फ्लैश किया बारी बारी से, और फ्लैश करने के बाद फ़ोन को रिबूट किया, फ़ोन बार बार फिर रिकवरी मोड में वापस आ जा रहा था। तो सबसे पहला काम करना, आपके मोबाइल में जो भी डेटा है रोम वगैरह उसका बैकअप वापस ले लेना लैपटॉप में। ओके, और उसके बाद फ़ोन को बूट करना बूट लोडर मोड में, यानी फास्ट बूट मोड में, लैपटॉप से वापस से कनेक्ट करना, और vbmeter.img फाइल जो है उसे फ्लैश करना। मैंने कमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसे फ्लैश करने के बाद अब वापस से कस्टम रिकवरी, टॉप रिकवरी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे फ्लैश करना। फ़ोन को बूट मत करना अभी, पहले vbmeter फिर कस्टम रिकवरी, अब बूट करना रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में वापस आने के बाद वाइप में जाना, उसके बाद फॉर्मेट डेटा, उसके बाद यस टाइप करके फॉर्मेट कर देना। इसीलिए मैंने बोला कि सारे फाइल का बैकअप ले लेना। फॉर्मेट हो जाने के बाद फिर से आना एडवांस्ड वाइप में, डेलवे कैश सिस्टम डेटा वाइप कर देना। वाइप करने के बाद अब सारा फाइल जो है वापस से फ़ोन में ले लेना, उसके बाद रोम फ्लैश करना, फिर GFS फ्लैश करना, फिर फ़ोन को रिबूट कर देना। इस बार आपका प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा, यानी फ़ोन प्रॉपरली बूट हो जाएगा। कल मैंने ये ट्राई किया है और आपके सामने है लीनियज ओएस। गाइस, ये प्रॉब्लम सुनने में काफ़ी छोटा सा और काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे फेस करोगे तो आपका घंटों बर्बाद हो सकता है। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।